तो इसमें क्या करेंगे, द गिवन इक्वेशंस आर x is equal to 40 and y is equal to 4 upon t. ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, x is equal to 4 t को सॉल्व करेंगे. तो अब क्या करेंगे इसमें, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dx upon dt इक्वल टू 4 टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ टी. ठीक है, तो यहां से dx अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा. ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू है 4 अपॉन टी. तो इसमें क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी. ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी टी. ठीक है, और ये हो जाएगा डी बाई 4 टाइम्स डी वाई डी टी ऑफ 1 अपॉन टी है. तो इसको मैं क्या लिखूंगा, टी टू दी पावर माइनस 1 हम इसे लिखते रहे. ठीक है, तो ये डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, और ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1 इंटू टी टू द पावर माइनस 1 माइनस 1. ठीक है, तो यहां से डी वाई अपॉन डी टी कितना हो जा रहा है, 4 माइनस 4 इंटू टी की पावर माइनस 2. ठीक है, तो यहां से डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई बाई डी टी ये क्या आ जा रहा है, ये आ रहा है माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर. ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी कितना आ जा रहा है, माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए डी वाई अपॉन डी टी भी पता है, डी एक्स अपॉन डी टी भी पता है, तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी. तो ये डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, डी वाई अपॉन डी टी कितना है, माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, 4 है. ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4. तो 4 से 4 गया कट, और यहां से सॉरी ये डी वाई अपॉन डी टी नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स है. तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. बस ये हमारा आंसर है.